नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। यूपी के कई शहरों में बत्ती गुल, निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों की सरकार से बातचीत फेल। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर समेत कई जिलों में बत्ती गुल हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हड़ताल की वजह से सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी, जिसके चलते लाखों लोगों के घरों में अंधेरे में रहना पड़ा। जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री समेत 36 मंत्रियों के आवास में बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई है। सभी मंत्रियों के घर में अंधेरा छाया रहा। इसके अलावा हजारों घरों में भी पावर सप्लाई नहीं हो सकी। ऐसे में अंधेरा होने के चलते लोग सड़कों पर रात को टहलते दिखे। लखनऊ के वीआईपी इलाकों में बिजली गुल होने से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से लेकर शासन स्तर तक हड़कंप मच गया, लेकिन बिजली अभियंताओं ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने से मना कर दिया। आनंद फानन मध्यांचल निगम के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने निदेशक तकनीकी सुधीर कुमार को कपूर रोड स्थित उपकेंद्र भेजा। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की सप्लाई बहाल हुई। जानकारी के मुताबिक बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से लखनऊ से लेकर नोएडा और मेरठ से लेकर वाराणसी तक के तमाम जिलों में 10 से 16 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी सहित कई बड़े शहरों के पावर स्टेशन ठप हो गए हैं। इससे लोगों में काफी परेशानी हो रही है। वहीं जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली समेत कई जिलों में सोमवार को सुबह 9 बजे बिजली की सप्लाई बंद हो गई और रात भर जारी रही। बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों के बीच काफी गुस्सा है। ऐसे में अधिकारियों को इन्हें समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि बीते दिनों बहराइच में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में निकलने वाले मशाल जुलूस पर प्रशासन ने अचानक रोक लगा दी थी। विद्युत कर्मियों के जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भारी पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। प्रशासन के रवैये पर विद्युत कर्मियों ने गुस्सा जताते हुए कार्यालय पर ही मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।